डियर स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों, आप पहले वीडियो पूरा देख लिया करें, उसके बाद कमेंट का करें करें, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एक न्यूज आई थी आर्टिकल के माध्यम से कि आपके जो सचिव हैं उन्होंने बोला है कि आपके एग्जाम 25 जनवरी से कराए जाएंगे। ये की न्यूज सचिव के माध्यम से जारी की गई थी, न्यूज़पेपर के माध्यम से। उसके बाद देखिए, आज की डेट में एक नई न्यूज निकल के आ रही है, न्यूज आर्टिकल ने न्यूज पोस्ट की है कि पॉलिटेक्निक की जो एग्जाम है वो स्थगित कर दी गए हैं। और पहले भी न्यूज आई थी और जावेद सर भी बोल चुके हैं कि आपके एग्जाम वो 27 जनवरी की समथिंग कराए जाएंगे। लेकिन बच्चों का कंफ्यूजन ये है ना कि ऑफिशियल वेबसाइट पे टाइम टेबल अभी पुराना शो कर रहा है, वो कब होगा? देखिए, आज तो जो 2 जनवरी और आपको जो नया टाइम टेबल है वो 4 जनवरी तक आ जाएगा, 4 या फिर 5 जनवरी तक नया टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा, या फिर कल भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। बीटीयूपी कभी भी कुछ कर सकता है। यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, जो हमारे जावेद मुस्पा सर है उनका कहना है कि पॉलिटेक्निक छात्र भ्रमित हो रहे हैं कि फर्स्ट ईयर सेमेस्टर की परीक्षा बाद में होंगी और जो अन्य सेमेस्टर वाले हैं उनकी परीक्षाएं पहले होंगी। कहने का मतलब सभी के एग्जाम एक साथ होंगे, मैंने कल वाली वीडियो में आप सभी को बताया था। अब बहुत सारे बच्चे पहली बार आए चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी, सारी अपडेट्स हम देते रहेंगे। टेलीग्राम पर मॉडल पेपर मैं आपको दे रहा हूं लगातार, आप देख सकते हो, और आज भी मैंने कई सारे मॉडल पेपर दिए हैं। देखिए, यहां पर मैं आपको एक स्कीम दिखा देता हूं, ये क्या है, सेशनल की स्कीम है। अब ये सेशनल क्या होता है, फर्स्ट सेशनल स्कीम ऑड सेमेस्टर सेशन 2022-23। अभी देखिए सेशनल क्या होता है, मैं आपको बता दूं, ये सेशनल कॉलेज में आपने सुना होगा आपके सीटी होते हैं, CT1, CT2, CT3 क्लास टेट के रिगार्डिंग। देखिए, अभी तक काफी कॉलेजों में CT3 हो रहा है, यानी क्लास टेस्ट ही चल रहे हैं, तो आपके एग्जाम कैसे हो सकते हैं? और मैंने कल वाला नोटिस दिखाया था, उससे कंफर्म हो गया आपके एग्जाम नहीं होंगे, ठीक है। जावेद सर ने भी बोल दिया आपके एग्जाम 27 जनवरी के समथिंग कराए जाएंगे, है ना, या फिर मैंने वीडियो में आपको बताया है। देखिए, यहाँ पर इनका जो सेशनल एग्जाम है वो यहाँ पर देखो आप लोग, 11 जनवरी तक तो इनका सेशनल ही हो रहा है। जब बताओ 11 जनवरी तक इनका सेशनल है तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि 7 जनवरी से आपके एग्जाम कैसे होगा, नहीं होगा भाई, लिख के ले लो, मैं कह रहा हूँ नहीं होगा। काफी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, एक चीज ध्यान से देख लीजिएगा, काफी सारी चीजें यहाँ पर मेंशन आउट की गई हैं। और मैं आपको क्लियर कर दूं, आज की डेट में वेबसाइट आप खोलोगे, अभी टाइम हो रहा है 1:20 का, तो यहाँ पर अभी तक कोई नया नोटिस नहीं आया है। जो आपका टाइम टेबल का नोटिस है वो संभावित वाला है, वो चीजें हैं, नया नोटिस जैसे ही आएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। ये चीज भी है, और बच्चे कन्फ्यूजन में है कि परीक्षा फॉर्म कब भरा जाएगा, ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। अभी की डेट में, अभी यहाँ पर 1:20 का टाइम हो रहा है जब वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो अभी तक भी यहाँ पर जब आप इसमें लॉग इन करते हो तो यहाँ पर लॉग इन नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है, ये भी अभी प्रोसेस कार्य में लगा हुआ, इसमें भी अभी कार्य चीजें की जा रही हैं। और जावेद सर बोल चुके हैं बार बार, लेकिन बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि पहले एग्जाम पर 700 हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जावेद सर ने बोला, भाई मेरा पहला ट्वीट देखो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि परीक्षाएं कब होंगी। जावेद सर बोले थे, अगर आपकी परीक्षाएं 27 जनवरी या फिर जनवरी के लास्ट वीक में कराई जाएंगी, ठीक है। अब देखिए, एक जो न्यूज पेपर में आर्टिकल आया है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये आर्टिकल आज के न्यूज पेपर में पब्लिश किया गया है वेबसाइट के माध्यम से 2 जनवरी को। इसमें वही चीजें बताई गई हैं जो जावेद मुस्पा सर ने बताई हैं, और उन्होंने वही पोस्ट कर दिया जो न्यूज़पेपर में आया हुआ है, वही सब चीजें यहाँ पर पोस्ट की गई हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, उसमें बताया जा रहा है कि जो आपकी परीक्षाएं हैं वो जनवरी के अंतिम सप्ताह में कराई जाएंगी। अभी काफी सारे बच्चों का सिलेबस भी नहीं हुआ है, तो ये सारी चीजें बच्चों निकल के आई है। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, परेशान ना हो, आपके एग्जाम 100% पोस्टपोन हो गए हैं, लेकिन जो वेबसाइट पर टाइम टेबल है वो आपका 5 या फिर 3 या फिर 4 या फिर आज भी हो सकता है, नया टाइम टेबल जारी हो सकता है, और जैसे ही होगा हम आपको अपडेट करेंगे, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये देख लीजिएगा आप लोग, ये सारी चीजें हैं। बहुत सारे कॉलेजों में प्रैक्टिकल भी अभी नहीं हुए हैं, तो प्रैक्टिकल आप लोगों के पहले होंगे एग्जाम से, जैसा कि जावेद मुस्पा सर ने पहले ही बता दिया है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं, सर हमारे प्रैक्टिकल का भी पता नहीं है, तो ये जो न्यूज है बच्चों हमारी कौन सी यूनिवर्सिटी की है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो न्यूज है बच्चों वो है आपकी, हाँ यहाँ पर देखिए, ये भी कोई नकल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, ये सारी चीजें हैं, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। ये देखिए आप लोग, ये चीजें हैं वो आपके हैं, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय और हमारा बीटीयूपी विश्वविद्यालय सेम एक ही तरह है, ये बीटीयूपी का नहीं है जैसे बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो फिलहाल ये बीटीयूपी के रिकॉर्डिंग नहीं है। कहने का मतलब काफी सारे बच्चे कन्फ्यूजन में बने हुए थे, एग्जाम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और जावेद मुस्पा सर ने भी क्लियर बता दिया है कि आप लोगों का एग्जाम भैया 7 तारीख से नहीं हो पाएगा। काफी सारी चीजें अभी बताओ सेशनल कॉलेज में चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, ये चीजें मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, आपका एग्जाम 7 से नहीं हो पाएगा। अब आगे कब होगा, जब ऑफिशियल नोटिस आएगा तो मैं आपको कन्फर्म करके बता दूंगा, अभी आप लोग तैयारी करते रहो, तैयारी में कोई ढील नहीं डालेगा, सारी अपडेट मैंने आपको बता दी है। तो फिर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, परीक्षा फॉर्म जैसे भरा जाएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, ऑल द